press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांस्टेबल की बहादुरी से बचे 1000 करोड़, जयपुर में विफल रही डकैती। छात्र का अपहरण कर पहाड़ी पर जलाई लाश, गिरफ्तार आरोपियों ने उगला राज। राजस्थान की जल परी ने बनाया रिकॉर्ड, 10.5 घंटे में तय की 47 किलोमीटर की दूरी। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच में डकैती को पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी ने विफल कर दिया। इसके चलते 1000 करोड़ की रकम बच गई। कहा जा रहा है कि यदि बदमाश अपने इरादे में कामयाब हो जाते तो यह देश की सबसे बड़ी डकैती होती। मंगलवार देर रात लुटेरों ने सी स्कीम में अशोक नगर स्थित रमेश मार्ग पर एक्सिस बैंक में लूट की कोशिश की। लुटेरे सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर बैंक लूट को अंजाम देने ही वाले थे कि तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसके बाद एक सिपाही ने फायर किया तो लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। रात करीब 2:30 बजे लगभग 12 बदमाश हथियारों से लैस होकर एक्सिस बैंक की चेस्ट ब्रांच पहुंचे। यहां वे खिड़की तोड़ने का प्रयास करने लगे। इनके हाथ में हथियार देख कांस्टेबल समझ गया और उसने तुरंत हवाई फायर कर दिया। फायर होते ही बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि बैंक में 1000 करोड़ रुपए थे। कांस्टेबल की सूझबूझ और बहादुरी से देश की सबसे बड़ी डकैती होने से बच गई। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल सीताराम को गैलेंट्री अवार्ड दिए जाने की सिफारिश की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बैंक लूट की इस वारदात की कोशिश के बाद जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक्सिस बैंक की ये ब्रांच प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहां रात भर पुलिस की गश्त के बाद भी ऐसी वारदात सामने आई है। अलवर शहर में कटी घाटी से एक छात्र को किडनैप कर हत्या के बाद उसकी लाश पहाड़ी पर ले जाकर जला दी गई। जिले के रैणी क्षेत्र के गांव अहिरबास के पास युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का मामला भी सामने आया था। इस प्रकरण में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपियों ने एक और हत्या का राज खोला है। रैनी पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी सुनील यादव और सुनील मीना ने अलवर के अरावली थाना क्षेत्र में एक छात्र की हत्या कबूली है। थाना प्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि आरोपियों ने पिछले साल 7 जनवरी को अलवर के छात्र हरिहर मीना का कटी घाटी से अपहरण किया था। इसके बाद उमरैन की पहाड़ियों पर करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर चाकू से हत्या करने के बाद शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इसके पश्चात अनुसंधान के दौरान पूछताछ की गई गहनता से तो एक अरावली बिहार अलवर में एक व्यक्ति का इन्होंने भुला के उसको पहाड़ियों में ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की घटना भी इन्होंने बताई है, जिसकी तस्दीक कार्रवाई करवाई है। और इस आधार पर एक अन्य मर्डर पिछले साल जनवरी माह में इनके द्वारा और किया गया था। गौरतलब है कि इन्हीं छात्रों ने गांव गोठड़ा निवासी मृतक साहुल को फोन कर चोरी की भैंस देने का झांसा देकर बुलाया था। इसके बाद बदमाशों ने युवक से 19,000 रुपए लूट कर कुल्हाड़ी से हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अभी और भी वारदातों के खुलने की संभावना है।
राजस्थान के उदयपुर की युवा तैराक गौरवी सिंघवी ने मंगलवार को एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। 14 साल की गौरवी ने मुंबई के जू बीच के खारदंडा से गेटवे ऑफ इंडिया तक समुद्र में लगातार 10.5 घंटे में 47 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। कोच महेश पालीवाल ने बताया कि गौरवी ने तड़के 3:30 बजे समुद्र में तैरना शुरू किया और करीब 1:30 बजे अपना सफर पूरा किया। गौरवी दोपहर 1:30 बजे जैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची तो वहां मौजूद उनके माता पिता और सहपाठी छात्राओं ने उसका जोरदार स्वागत किया। एक घंटा भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि टाइट उल्टी तरह से जा रही थी तो उसको धकेल रही थी पीछे जी। तो बहुत ही मुश्किल से वो 12 बजे पहुंचने वाली थी तो उसका इतना टाइम लगा। अच्छा, अभी वहाँ क्या हालात है, क्या किस तरह का? अभी वो बस पहुंची है और सब वहाँ पर महाराष्ट्र मिनिस्टर और सबको रिसीव करने के लिए पहुंचे। नया कीर्तिमान बनाने के लिए गौरवी ने रविवार को करीब 2 घंटे तक पूर्वाभ्यास भी किया और जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गई तो वह इस मिशन के लिए तैयार हो गई। गौरतलब है कि प्रदेश की जल परी गौरवी ने पहले भी अरब सागर में लगातार 36 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। गौरवी का लक्ष्य एशियाड और ओलंपिक खेलों में भाग लेने का है जिसके लिए वह जोर शोर से तैयारी में लगी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर चिकित्सा विभाग बच्चों को विशेष खुराक देगा। आज अलवर के मुख्य चिकित्सालय कार्यालय में CMHO डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल और RCHO डॉक्टर OP मीणा ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 8 फरवरी को एक साथ सब जगह कार्यक्रम होगा जिसके अंदर हमारा चिकित्सा विभाग और उसके साथ में बाकी जो अन्य विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, ICDS है और भी अन्य विभाग हैं, उन सबको समन्वय करते हुए सबका सहयोग लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग के सारे कर्मचारी आंगनबाड़ी सब सेंटर लेवल तक के और ICDS के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगी हैं और अन्य विभागों के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, उन सब सारे कर्मचारी लगभग 1,00,000 के करीब कर्मचारी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे इस दिवस को सफल बनाने के लिए। बच्चों को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 8 फरवरी को पेट के कीड़े मारने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक दी जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कृमि रोग संक्रमण के कारण फैलता है, इससे बच्चों में खून की कमी सहित कुपोषण का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। उसके बारे में समझने से पहले ये समझेंगे कि कृमि बच्चे के पेट में ये बच्चे के स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। कृमि विभिन्न प्रकार से 3 प्रकार के जो मुख्य रूप से इन्फेक्शन करने वाले कृमि अपने बिग बॉर और राउंड बॉर में, जिनको आप हिंदी में आँख के कीड़ों के रूप में जान सकते हैं। इनका शरीर में इन्फेक्शन जिस बच्चे में पहले से ये कृमि के अंडे आँखों में पलते हैं और इन्फेक्शन के साथ में होते हैं, जैसे वो बाहर सोच के लिए जाता है, राजस्थान में कृमि रोगियों का प्रतिशत 40-50 है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इसकी प्रभावी रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि बच्चों के बौद्धिक विकास में रुकावट ना हो। अलवर के टपुकड़ा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के समीप बीती रात एक व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट में मालाखेड़ा के मचड़ी गांव निवासी हमीद नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए अलवर लाया गया जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। सूचना के बाद अलवर मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से घटना की जानकारी ली। पीड़ित के अनुसार वह सब्जी से भरी पिकअप लेकर दिल्ली जा रहा था, तभी रास्ते में टपुकड़ा के समीप पिकअप का एक्सल टूट गया। ऐसे में उसने वहीं पर रात गुजारना उचित समझा। वह पिकअप के अंदर केबिन में सो रहा था, तभी कुछ पुलिस कर्मी आए और उससे मारपीट कर पैसे की मांग करने लगे। आरोप है कि जब हामिद ने पैसे देने से मना कर दिया तो उस पर ताबड़तोड़ डंडों से हमला कर दिया गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मेव पंचायत संरक्षक शेर मोहम्मद ने आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए पीड़ित के अस्पताल खर्चे का मुआवजा भी मांगा है। मेव पंचायत की ओर से टपुकड़ा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। सर, मैं बैंगन गाड़ी चलाता हूँ सर, वो सब्जी गाड़ी है, उसका हुआ टपुकड़ा में जाकर उसका एक्सल टूट गया,
तो वो साइड में करके हमने दूसरी गाड़ी में माल तो लोडिंग कर दिया। गाड़ी खड़ी थी वहाँ रोड पर ही, वो पुलिस वाले आए तो उसने शीशा चढ़ा के मैं लूटा पड़ा था उसमें, तो उसने कहा आके नहीं शीशा उतरवाया, शीशा उतरवा के नहीं क्यों खड़ी कर रखी इधर, वो सर इसका एक्सल टूटा पड़ा है तो पैसे दियो। उसने कही पैसे दियो मेरे लिए, पैसे दो, तो पैसे मेरे पे था ना सर, उसने मेरे तो पैसे ना तो मैंने गाड़ी दी खूब तो मेरे दो तीन खोद दी उसने बैठा बैठा। पिकअप का एक्सल टूट गया और एक्सल टूटने के बाद इन्होंने दूसरी गाड़ी में उसको सब्जी को जो बैंगन और इस तरह की सब्जी उसको अनलोड करके भेज दिया। गाड़ी साइड में खड़ी करके रात में उसमें बैठा, खिड़की बंद करके उसमें लेटा हुआ था। अचानक वहाँ पर पुलिस के गश्ती दल के लोग जाते हैं, जाकर के इसको बोलते हैं कि आप इस दरवाजे को खोलें। इसने खिड़की खोली, खिड़की खोल के इसने कहा कि साहब मेरी गाड़ी खराब है, गाड़ी को हटाइए। और गाड़ी जब उसने नहीं टाइम भी तेरे पास पैसे वैसे हैं क्या, तो उसने कहा था मैं तो मजदूर आदमी हूँ, जो गाड़ी वाले ड्राइवर और कंडक्टर वो चले गए दूसरी गाड़ी में, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इसके साथ उन्होंने ऐसी मारपीट की कि जो डंडे होते हैं पुलिस के, इनकी खुद उनकी कोच में जहाँ पर गुर्दा होता है यहाँ पर 5-7 बहुत तेज़ी से मारने के बाद, और इतना उसके अंदर का पार्ट्स जो है बॉडी के जिसमें गुर्दे वगैरह, जो मेरी खुद की डॉक्टर से बात हुई है कि इतनी गंभीर हालत है कि उसके यूरिन साइड से और मुंह से दोनों से भयंकर ब्लड जा रहा है। अभी उसको अलवर से जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है उसकी। और उसका बताना ये है कि मुझको पुलिस के जो लोग थे उनमें मुख्य रूप से एक सुनील मीणा, जिसको मैं जानता हूँ क्योंकि वो अक्सर हमसे पैसे लेते रहते हैं इसलिए मैं उसका नाम भी जानता हूँ, उन्होंने आकर के और मेरे साथ इस तरह की मारपीट। हाँ, ये मामला दर्ज कर लिया है, प्रकरण दर्ज करके मनोजन किया जाएगा जो दोषियों उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या प्रकरण के जो सेना पे जो सचिव ने जो एफ आई आर दी है उसके अनुसार की उसकी जो भतीजा उसके साथ सुनील आपके पोस्ट ने उसके साथ मारपीट की है जो घायल है, तो उसका जैसे ही उसके जांच कर लेंगे नियमन अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा आर्य सामाजिक परिषद के सहयोग से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसे सांसद डॉ. करण सिंह यादव ओम ध्वज और हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे लेकर आर्य कन्या स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि शोभा यात्रा विद्या मंदिर स्वामी दयानंद मार्ग से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए वापस विद्यालय पहुंचेगी। शोभा यात्रा 10 फरवरी को सुबह 9:30 बजे निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्यालय समिति प्रधान जगदीश गुप्ता, निदेशक कमला शर्मा और प्रदीप आर्य आदि मौजूद रहे। महर्षि स्वामी दयानंद का 194वां जन्म दिवस आर्य कन्या विद्यालय समिति और समस्त आर्य समाजों की तरफ से मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हर वर्ष आर्य कन्या विद्यालय और आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद पे विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकालते हैं और बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य था कि स्त्री शिक्षा, छुआछूत का विरोध और समाज में जो कुप्रथाएं चल रही हैं उन सब का विरोध करने की एक अच्छा मौका हमारे आर्य कन्या विद्यालय और सभी के सामने है और हम उसी प्रकार की झांकियां यहाँ निकालते हैं। आर्य कन्या विद्यालय श्री राम विलाल आर्य कन्या छात्रावास अलवर के समस्त आर्य समाज और प्रबुद्ध जनों के सहयोग से महर्षि दयानंद का जन्म दिवस 194वां जन्म दिवस शनिवार 10 तारीख को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया है, विशाल रैली निकलेगी, उसको सुबह 9:30 बजे वर्तमान MP श्री डॉक्टर करण सिंह जी हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा शोभा यात्रा कंपनी बाग, मन्नी का बर्ड, अंसारी बाजार, मुख सर्कस, बजाजा बाजार होते हुए अलग किले बाजार से अग्रवाल धर्मशाला के सामने से सीधी वापस यहाँ पर आएगी। विवादित फिल्म पद्मावत को लेकर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को जोधपुर हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने भंसाली के खिलाफ FIR रद्द करने के आदेश दिए हैं।
भंसाली को आज जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट से राहत मिली है। गौरतलब है कि नागौर के डीडवाना थाने में FIR दर्ज की गई थी, इसमें जन भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था। निर्माता संजय लीला भंसाली, अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पर यह आरोप लगे थे। इसके बाद कोर्ट के लिए फिल्म का विशेष शो रखा गया, जिसे देखने के बाद अदालत ने यह फैसला दिया है। ओपन कोर्ट में कोर्ट ने ऑर्डर लिखाया है जी, उसके बियॉन्ड बोलने की जरूरत भी नहीं है हमको। कोर्ट ने कहा है कि जो कंप्लेंट है वो गलत है और पिक्चर राजस्थान में सबको दिखाई जानी चाहिए। उसके लिए FIR सर राजस्थान में दिखानी चाहिए, ये तो पूरे देश में दिखाने का ऑर्डर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। क्या स्पेसिफिक ऑर्डर आज कोर्ट ने फिर जारी किया? आज जारी। क्या ऑर्डर थे सर? जो ऑर्डर है वो मीटिंग को आज आपने एप्लीकेशन को लेकर आज आपने एप्लीकेशन दी क्या इसकी? और नहीं हमने नहीं। आर्गुमेंट क्या जो आज आर्गुमेंट सारी बात हो चुकी है, अब उसके बाद में देना कुछ ठीक नहीं। सर थोड़ा सा खाली जो राजस्थान को लेकर जो राजपूतों की ओर से फिल्म पद्मावत के विरोध के बाद अब सर्व ब्राह्मण महासभा ने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का विरोध किया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा का कहना है कि फिल्म में झांसी की रानी को एक विदेशी की प्रेमिका बताया गया है, जबकि हमने किसी भी किताब में यह नहीं पढ़ा। ऐसे में महासभा को अंदेशा है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर फिल्म बनाई जा रही है। सर्व ब्राह्मण महासभा के अनुसार फिल्म की शूटिंग राज्य के विभिन्न जिलों में की जा रही है, जिसे सरकार को रोकना चाहिए। महासभा ने फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन को 10 दिन पहले चेतावनी पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। अब 9 फरवरी से बीकानेर में शूटिंग की जानी है और ऐसे में ब्राह्मण महासभा इसका विरोध करेगी। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। कांस्टेबल की बहादुरी से बचे 1,000 करोड़, जयपुर में विफल रही डकैती। छात्र का अपहरण कर पहाड़ी पर जलाई लाश, गिरफ्तार आरोपियों ने उगला राज। राजस्थान की जल परी ने बनाया रिकॉर्ड, 10.5 घंटे में तय की 47 किलोमीटर की दूरी। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।